देख सकते हो मैं एक रोड में खड़ा हूँ। ये रोड आपका चायवासा से सीकेपी जाने वाली रोड है और इस हाईवे में मैं जा रहा हूँ। आपको बताते चलूँ कि विंटर वैकेशन जो हमारे स्कूल में हो चुकी है और इस विंटर वैकेशन के दौरान मैं प्लान कर रहा हूँ रालकुना जाने के लिए, और इसीलिए मैं आज सवेरे 6 बजे ही निकल चुका हूँ। चारों तरफ कुहासा है और बाइक से मैं जा रहा हूँ। आपको पता ही होगा मैं बहुत सारा प्लेसेस अपने बाइक से ही तय करता हूँ, और आगे का ब्लॉग देखते रहिए। घर पहुँचने से किस तरह से और रिएक्शन होगा इसके बारे में ज़रूर बने रहिए। और आप देख सकते हो मेरे आने का किस तरह से यहाँ पर वेलकम किया गया। और मैं बताते चलूँ, एली जो है ये खास है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बचपन से इसको बड़ा किया हूँ, इसीलिए ये मुझे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई है। मैं जब भी घर आता तो इस तरह से वेलकम करती है। और देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मेरे घर में कुछ फूल लगे हैं। हमेशा मैं मिस करता हूँ, और ये छोटे छोटे चीज़ हमेशा मुझे याद आती है बाहर में जब रहता हूँ। मम्मी के लिए मैं उनके दवाई कुछ लेके आया हूँ, तो दांत का दर्द रहता है इसीलिए ये दवाई है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक खास फ्लावर है आपका, पिंक चाइना रोज रोज मुझे अच्छा लगता है। और ये मिर्ची का पौधा देख सकते हैं, ये वाइट गुलाब है तो इस तरह से। और ये इस तरह से कुछ फ्लावर्स के नाम है जो मुझे नहीं पता है। हाँ, और ये जो झाड़ है देख सकते हो, इलायची का झाड़ है। तो मेरे बगान में इस तरह से बहुत सारे, और ये दिसंबर का फूल है, दिसंबर महीना में ये खिलता है और बाद बाकी दिनों में इसमें फूल नहीं लगते, इसलिए दिसंबर फूल इसको मना गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे पौधे मेरे घर में हैं जो मुझे हमेशा याद रखते हैं। ये पता नहीं क्या है लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। देख सकते हैं यहाँ पर इतने बड़े, हाँ इतने बड़े फ्रूट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा खास पल मुझे ये लगता है शाम को जब सब कोई फैमिली में इस तरह से बैठते हैं और ये आग लगा के चारों तरफ गप्पे मारते हैं,
और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ये पल मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हर विंटर वेकेशन में घर में जाके मैं इस तरह से सबके साथ मिलके ये पल गुजार पाता हूँ, जो मेरे लिए बहुत खास होता है।